हेलो दोस्तों, मैं हूं देवराज और मैं आप सभी को अपने चैनल टेकी देव पे स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं MI का नया LED स्मार्ट बल्ब, जो कि 16 मिलियन कलर्स के ऑप्शन में आता है और वाइट लाइट भी में भी आता है। और ये जो है, ये स्मार्ट बल्ब है, ये आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपके मोबाइल के जरिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है, ये अभी MI ने डिलीवरी करना शुरू किया है, तो अभी मुझे कल ही मिला इसको, तो मैं सोचा कि इसको अनबॉक्सिंग करके आप सभी को दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट कैसा है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो बॉक्स है, बॉक्स के सामने आप देख सकते हैं कि जो बल्ब कैसा दिखेगा ये दिखाया है। और ये जो आप होल्डर देख सकते हैं, ये E27 होल्डर है और इस होल्डर से आप हमारे यहाँ पे जो होल्डर मिलता है वो E22 का होता है। और ये होल्डर जैसे आप देख सकते हैं कि स्पाइरल है, आपको घुमा के इसको लगाना है। तो आपको इंटरनेट में आपको बहुत सारे मिल जाएगा कि E22 से E27 होल्डर में कन्वर्टर, या तो फिर आप अभी जो टेबल लैंप आ रहा है उसमें E22 होल्डर E27 होल्डर दे रखा है। तो आप वो एक बार चेक कर लीजिएगा जब आप खरीदेंगे अपना नया टेबल लैंप, या फिर आप अगर आपके घर पे है टेबल लैंप तो आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप एक कन्वर्टर खरीद लेना। और मैं जो अपने टेबल लैंप पे लगाने वाला हूँ वो E27 वाला होल्डर है, तो मैं आपको दिखा दूंगा वो कैसा दिखता है। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ काम करता है। और साइड में तो ऐसा कुछ है नहीं और ऊपर में भी ऐसा कुछ है नहीं। और ये इधर देखते हैं पीछे क्या लिखा है। पीछे लिखा है कि ये MI का LED स्मार्ट बल्ब है जो कि वाइट और कलर लाइट रिप्रोड्यूस करता है। और जो है कि ये रेटेड पावर इसका 20 वाट का है। और जो इसका इनकैंडिसेंट इक्विवेलेंट है, मतलब इसका जो ब्राइटनेस है वो 60 वाट के बराबर है। और रेटेड इनपुट वोल्टेज है 220-240 वोल्ट। और इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है वो 25 आवर्स का दिया हुआ है, जबकि आप 6 आवर्स डेली यूज़ करेंगे तो 11 ईयर्स का ईयर्स में आपको चलेगा। और इसका जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो 2.4 GHz का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपके घर पे जो राउटर है और आपके फ़ोन का जो राउटर है उससे आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो प्राइस दिया हुआ है 1500 रुपीज़ का, मैंने इसको ख़रीदा है 999 रुपीज़ में और Xiaomi के स्टोर से। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। सॉरी एक्सक्यूज मी, या तो मैं इसको खोलता हूँ और ये अंदर से ये आपको मिलेगा बॉक्स। और यहाँ पे आपको लाइट दिखने को मिलेगा और ये है छोटा सा यूज़र मैनुअल। इसको यूज़ करने के लिए आपको MI ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और देखिए इसको कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। आप जब कनेक्ट करेंगे तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी होगा इसको कनेक्ट करने में। चलिए देखते हैं, ये जो बल्ब है ऐसा दिखता है। और इसका जो आप देख सकते हैं ये E27 होल्डर टाइप का है और ये MI का ब्रांडिंग है यहाँ पे। और इसका मॉडल नंबर और रेटिंग जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे MI का ब्रांडिंग है और ये है जो LED लाइट है। चलिए मैं इसको आप कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बल्ब है यहाँ पे, इसको अब मैं E27 होल्डर में ऐसे घुमा के लगा दूंगा। पकड़ लीजिए और इसको मैं लगा दिया। और ये इसका स्विच है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्विच है और मैं इसको ऑन करूँगा। अब इसको ऑन करते ही ये वाइट लाइट जलने लगेगा। और मैं अभी इसको MI ऐप से, होम ऐप से मैं कनेक्ट करूँगा और वो आपको दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्ले स्टोर है और प्ले स्टोर से मैं Xiaomi होम ऐप इंस्टॉल करने वाला हूँ। और ये मैं इंस्टॉल करने के लिए दे दिया और ये अभी इंस्टॉल होने लगा। देखिए अभी MI है ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। और जैसे ही ये ओपन हो जाता है यहाँ पे दिखाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो आपको अग्री करना है। फिर
आप कहाँ के हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि इंडिया है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और ये यहाँ पे सब सेव करना है इसको। ये सेव हो गया। अब देखिए, अब आ गया है और ये अलाउ करना है आपको। फिर आपका एमआई फ़ोन है तो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, या फिर आपका दूसरा कोई फ़ोन है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐड डिवाइस करना होगा। अब ऐड डिवाइस कीजिए, फिर अलाउ कीजिए, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लाइटिंग, क्योंकि आपको लाइट सिलेक्ट करना है। लाइटिंग का ऑप्शन है, लाइटिंग है, तो एमआई एलईडी स्मार्ट बल्ब जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद इसको बोला कि आपको ऑन करने के लिए, आपने ऑन यानी तो ऑन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दबाना है, एक्सक्यूज मी। और जो है इसी राउटर से कनेक्टेड है तो आपको पासवर्ड दबाना है। मैं पासवर्ड दे देता हूँ पहले, ठीक है। पासवर्ड दबाने के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखा डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है, फिर मैसेज सेंड हो रहा है डिवाइस के साथ, फिर डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट भी हो गया नेटवर्क से, फिर इसको इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया, कनेक्ट हो गया। तो ये आपका कौन सा रूम है, मैं अपना बेडरूम है तो बेडरूम सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसको नाम दिया है लाइट बल्ब, मैच कर दिया आपको आपने, ठीक है। और बस हो गया, स्टार्ट करना है, बस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चेंज करने पे कलर कैसे चेंज होता है। देखिए, मैं यहाँ पे चेंज किया, कलर चेंज होने लगा। यहाँ पे वाइट है तो वाइट होने लगा, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज होने लगा। जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा। यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर किया, देखिए रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, येलो है, ग्रीन हो रहा है, देखिए ब्लू हो रहा है, ब्लू हो गया। फिर उसके बाद देखिए पिंक हो रहा है। जैसे मांगेंगे वैसे कलर आपको मिलेगा। आप फ्लो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे फ्लो होगा। आप देखते जाइए, कलर वैसे वैसे चेंज होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। आप जैसे सेटिंग करेंगे वैसे ही होता जाएगा। और जो इसका कलर है वो बहुत ही एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना घर का लाइट ऑफ कर रहा हूँ, और देखिए आप कैसे चेंज होता जा रहा है। देखिए ग्रीन हो गया, फिर मैं येलो सिलेक्ट किया, लाइन येलो हो गया, रेड किया, रेड हो गया। आपको जैसे कलर चाहिए उस वैसे ही कलर आपको मिलेगा। यहाँ पे फेवरेट्स में भी आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड और प्री थीम्स होगा जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मूवी, आपको अगर मूवी हॉल की तरफ लाइट चाहिए, देखिए लाइट थोड़ा डिम हो गया और आपको मूवी की तरह लाइट मिलेगा। जैसे कि आप सनसेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए ऑरेंज कलर का हो गया, सनसेट की तरह लाइट हो गया। आपको ये थोड़ा ये यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि बर्थडे सिलेक्ट कीजिए, बर्थडे यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देखिए बर्थडे की लाइट आने लग गया। ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। और आप यहाँ पे जो कलर या फ्लो है, यहाँ पे आप यहाँ से आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैं इंटेंसिटी घटा रहा हूँ, देखिए घट रहा है। मैं आप किस इसको बढ़ाऊंगा, देखिए बढ़ता जा रहा है। देखिए बढ़ गया, देखिए मैं घटा रहा हूँ, घट रहा है। हाँ, इसका एक वीक पॉइंट है, ऐप में थोड़ा बग्स है, जैसे कि हमेशा जैसे टच कर रहे हैं वैसे नहीं काम करेगा। लेकिन हाँ,
जो लाइट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो लाइट आ रहा है 10 वाट का जो है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ काम कर रहा है, तो ये सब देखते आप देख सकते हैं कि लाइट बहुत ही अच्छा है और इस प्राइस पॉइंट में, जैसे कि फिलिप्स का आता है 3,500-4,000 में आता है, और दूसरा कोई आप उठा लीजिए वो 2,500-2,000 के आसपास आता है, लेकिन 1,000 रुपये में या फिर 1,500 रुपये में जो लाइट MI ने ये लाइट जो दे रहा है ये बहुत ही अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। मैं अभी तो फिलहाल इसी वक्त अनबॉक्सिंग किया हूँ और सेट करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं अगर कोई दिक्कत आएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊँगा और डालूँगा भी, और अभी तक तो ये है। मैं इसको 1-2 हफ्ते यूज़ करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि और इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं, कि नहीं और कुछ प्रॉब्लम वगैरह या सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक दीजिए और आपके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये पहुँच पाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।